हेलो एवरीवन माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। होप यू आर ऑल वेल। आई एम अभिषेक एंड यू आर वॉचिंग द नर्सिंग माइंड सेट। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू डू नॉट सब्सक्राइब माय चैनल एंड होप यू आर ऑल वेल। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टुडे टॉपिक इज हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम और हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ अ एलिमेंट, एक तत्व है मैनेजमेंट और मेडिकल इन्फॉर्मेटिव्स का सोल्यूशन डेट फोकस मेनली ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव नीड ऑफ हॉस्पिटल, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव नीड को देखता है हॉस्पिटल की क्या है। एक HMS हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ कंप्यूटराइज्ड और वेब बेस्ड एप्लीकेशन, जो कि एक कंप्यूटर से चलने वाला और वेब बेस्ड, वेब मतलब जाल है, बेस्ड एप्लीकेशन है दैट मैनेजेस द फंक्शनिंग ऑफ एंटायर हॉस्पिटल, जो कि हॉस्पिटल की पूरी मैनेजमेंट को मैनेज करता है। दिस कस्टमाइज इंटीग्रेट सिस्टम इज डिज़ाइन टू मैनेज ऑल ऑपरेशंस ऑफ द हॉस्पिटल। ये इसलिए डिज़ाइन किया गया था होता है ताकि ये सभी के सभी ऑपरेशन हॉस्पिटल के उन्हें मैनेज किया जा सके, सच एज एडमिनिस्ट्रेशन, पेशेंट डिटेल, जो भी पेशेंट की डिटेल है, मेडिकल हिस्ट्री है, वो पेशेंट की अपॉइंटमेंट है, बुकिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, वो सब कुछ हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा ही की जाती है। बिलिंग, बेड मैनेजमेंट, ड्रग मैनेजमेंट, रिवेन्यू, ऑल दिस इज डन बाय द मेडिकल मैनेजमेंट। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ मल्टीपल ब्रांचेस ऑफ सेम हॉस्पिटल हैव टू बी इंटीग्रेटेड सो दैट इफ अ पेशेंट कंसल्ट अ डॉक्टर इन अ डिफरेंट ब्रांच, देयर मेडिकल हिस्ट्री कैन बी प्रिवेंटेड इजली शुड बेस्ड ऑन असेस इफ फ्रॉम एनी वेयर एट एनी टाइम। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है जो वो मल्टीपल ब्रांचेज में भी काम करता है एक ही हॉस्पिटल के, टू हैव इंटीग्रेटेड, जो कि जरूरी है, सो डैट इफ पेशेंट कंसल्ट डॉक्टर, अगर कोई पेशेंट डॉक्टर से बात करता है अलग अलग ब्रांचेस से, मेडिकल हिस्ट्री कैन प्रोवाइड इजली हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा, वो कहीं से भी ले सकता है और किसी भी टाइम ले सकता है। इसके टाइप्स क्या हैं? ट्रांसफॉर्म्स ऑपरेशन थ्रू सिंगल स्क्रीन फ्लो, ट्रांसफॉर्म ऑपरेशन सिंगल स्क्रीन के थ्रू रिड्यूस पेशेंट टाइम एंड मिनिमाइज, वो पेशेंट के टाइम को वेस्ट होने से रिड्यूस करता है। मैनेजमेंट बेड कंपनी एंड मेंटेनेंस, बेड कंपनी की मैनेजमेंट को भी दूर करता है। एनेबल इमीडिएट रिकॉर्ड ट्रांसफर, एनहेंस पेशेंट वर्क फ्लो, मेक ऑटोमेटेड अपॉइंटमेंट, रिमाइंडेड कॉल, टेक्स्ट मेल, मेक ऑटोमेटेड अपने आप ही अपॉइंटमेंट है जो पेशेंट की उसे मेल कर सकता है। पेशेंट पोर्टल फॉर सेल सर्विस, मैनेज एडमिशन ट्रांसफर एंड डिस्चार्ज, एडमिशन को, ट्रांसफर को और डिस्चार्ज को भी मेंटेन करके रखता है। कोऑर्डिनेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स, जो इमरजेंसी में रिस्पॉन्स देना होता है वो भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट के द्वारा ही किया जाता है। रिवेन्यू मैनेजमेंट, कोहेरेंट लॉन्गिट्यूडनल समरी व्यू, कंप्यूटराइज फिजिशियन ऑर्डर एंट्री, कॉम्प्रिहेंसिव स्क्रीन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाइटल, यूजर डिफाइंडेबल क्लिनिक डॉक्यूमेंटेशन टेम्पलेट, क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम विद द कोडेड डायग्नोज एंड प्रोड्यूस इंटीग्रेशन MIMM डाटाबेस। नेक्स्ट आता है पेशेंट की मैनेजमेंट क्या है? ऑफर इनहेंस पेशेंट केयर वाइल अचीविंग ऑपरेशन एफिशिएंसी एंड मैक्सिमाइजिंग रिवेन्यू, ऑफर को एनहेंस करना, पेशेंट की केयर को बढ़ाना, अचीव करना ऑपरेशन एफिशिएंसी एंड मिनिमाइजिंग, मैक्सिमाइज रिवेन्यू और रिवेन्यू को भी बढ़ाना। द नेपियर हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम HIS हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम इसे मॉडर्न सॉल्यूशन, एक नया सॉल्यूशन है, इनेबल मेडिकल फैसिलिटी, जो मेडिकल फैसिलिटी को बढ़ाता है टू ओवरकम द बिगेस्ट चैलेंज, जो बड़े बड़े चैलेंज है हेल्थ केयर के अंदर, डिलीवरी टूडे के अंदर, उन्हें कम करता है, ओवरकम करता है। इस अनेबल हॉस्पिटल टू, ये अनेबल करता है हॉस्पिटल टू मैनेज ऑल डिपार्टमेंट पेशेंट एंड स्टाफ विद एज, एक ही जगह से डिपार्टमेंट के सभी पेशेंट को, स्टाफ को मैनेज करता है। इम्प्रूव पेशेंट एक्सपीरियंस, पेशेंट के एक्सपीरियंस को बढ़ाता है। इंश्योर रिड्यूस रिवेन्यू लीकेज एंड स्टॉक फिलफेज, और रिवेन्यू का लीकेज ना हो उसे भी रोकता है, और स्टॉक में भी बढ़ोतरी करता है। एफिशिएंट बिलिंग, बिलिंग अच्छी तरीके से करता है, प्रॉपर लेस ऑपरेशन, कम ऑपरेशन कि उसमें कोई रिस्क ना हो वो भी देखता है। टेक अ बेटर डिसीजन, अच्छी तरह से डिसीजन लेता है और फीचर्स को देखता है।
नेपियर हिज अ वेब नेटिव इंटीग्रेटेड मल्टी फैसिलिटी, इसके पास बहुत सारी फैसिलिटी होती है, मल्टी लिंगुअल एंड कैपेबल प्लेटफॉर्म कैन कन्फिगर टू मीट ऑल द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन नीड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर, और ये कम्युनिकेशन नीड को भी देखता है एडमिनिस्ट्रेशन की। नेक्स्ट इज क्लिनिकल मैनेजमेंट, इंटीग्रेशन विद पेयर एंड गवर्नमेंट सिस्टम सच एज वेसल, ये गवर्नमेंट के और पेयर के सिस्टम को भी देखता है, सच एज वेसल एबिलिटी टू डायनेमिकली क्रिएट अपडेट एंड असाइन पैकेज, और ये इसके पास एबिलिटी होती है कि ये कोई भी पैकेज को अपडेट और असाइन कर सकता है, मैनेज क्लेम फॉर द रिडक्शन, और ये क्लेम्स देखता है कि कहाँ कम किया जा सकता है, सेटलमेंट कर सकता है बिल की। सपोर्ट फॉर मल्टी पेमेंट सोर्स्ड कम्प्रिहेंसिव हैंड ऑफ क्रेडिट एंड कलेक्शन मॉनिटरिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट अचीव रियल टाइम यूसेज बेस्ड प्रिपिटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑटोमेटिक अल्टर वेन एवर ओल्ड लेवल इज रीच्ड, परचेज रिक्वेस्ट जनरेशन बाय स्टोर्स, एक्सपायरी मैनेजमेंट टू रिड्यूस वेस्टेज, एक्सपायर मैनेजमेंट करना ताकि जो भी वेस्टेज है उसे घटाया जा सके, कंप्लेंट विद कौन मल्टीपल लोकेशन एक्सेसिबिलिटी, यूजेस, हेयर आर सम बेसिक बेनिफिट ऑफ यूजिंग हॉस्पिटल, हॉस्पिटल यूज करने के, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर फॉर हॉस्पिटल, इजी एक्सेस टू पेशेंट डाटा, ये इसके इसमें काम आता है पेशेंट के डाटा को एक्सेस करने में, और इसकी कॉस्ट भी इफेक्टिव है, और ये एफिशिएंसी को हेल्थ को रिड्यूस करता इम्प्रूव करता है, रिड्यूस स्कोप ऑफ एरर, गलतियों को कम करता है, इंक्रीज डाटा सिक्योरिटी की, डाटा की सिक्योरिटी को बढ़ाता है, पेशेंट की केयर को बढ़ाता है, पेशेंट की डाटा की सिक्योरिटी को बढ़ाता है, और बेटर रिवेन्यू मैनेजमेंट भी करता है। ईजी एक्सेस टू पेशेंट डाटा, अ वेल इम्प्लीमेंटेड हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक वेल इम्प्लीमेंटेड हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम मीन्स रेडली अवेलेबल पेशेंट डाटा टू केयर प्रोवाइडर, केयर प्रोवाइडर के पास पेशेंट का डाटा होना, इट इज ओनली अ मैटर ऑफ फ्यू क्लिक्स, ये कुछ ही क्लिक का मामला होता है, एंड ऑल द रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट अ पेशेंट फ्रॉम वेरी डिपार्टमेंट इन द हॉस्पिटल, जो भी इंफॉर्मेशन है हॉस्पिटल में वो सामने आ जाती है। कॉस्ट इफेक्टिव हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम व्हेन द इंप्लीमेंटेड वेल कट्स आउट ऑन अ लॉट ऑफ मैनुअल वर्क दैट इज असेंशियल टाइप फॉर्म इन द हॉस्पिटल, स्पेशली द वंस वेयर डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग इज रिक्वायर्ड, इट ऑल्सो सेव मच ऑन स्टोरेज एंड रिलेटेड कॉस्ट, एक तो इसमें सबसे कम पैसे लगते हैं और इसमें टाइम भी बहुत कम हो जाता है, और जो भी सारे रिकॉर्ड हैं वो एक जगह जमा हो सकते हैं। इम्प्रूव एफिशेंसी प्रोसेस ऑटोमेटेड यूजली सॉफ्टवेयर, वुड मीन्स प्रोसेस ऑटोमेटेड यूजिंग सॉफ्टवेयर, जो प्रोसेस है वो सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है, मीन्स डेट प्रोसेस विल बी टेकन केयर ऑफ मैकेनिकली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, कि जो प्रोसेस है वो मैकेनिकली परफॉर्म किया जाएगा बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के, एंड दिस विल इंस्टेंटली एंश्योर इम्प्रूव एफिशेंसी, जो कि एफिशेंसी को बढ़ाता है। द सॉफ्टवेयर विल नॉट फेस ह्यूमन प्रॉब्लम लाइक फटीग, मिस कम्युनिकेशन और लैक ऑफ फोकस, जो सॉफ्टवेयर है वो ये प्रॉब्लम फेस नहीं करेगा, जैसे मिस कम्युनिकेशन हो जाना, फोकस लॉस हो जाना, या फटीग या टायर्डनेस हो जाना। द फोर्थ पॉइंट इज रिड्यूस स्कोप ऑफ एरर, बिकॉज प्रोसेस ऑन द HIS, बिकॉज प्रोसेस ऑन HIS हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑटोमेटेड एंड लॉट ऑफ टास्क आर असाइंड टू द सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म, जो हॉस्पिटल है जो उसमें सॉफ्टवेयर है उसे काफ़ी सारे काम दिए जाते हैं परफॉर्म करने के लिए मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ। द स्कोप ऑफ एरर रिड्यूस, जो गलतियाँ करने का जो सिस्टम है वो भी कम हो जाता है, फॉर द इंटेंस वाइल बिलिंग और अनटिल एंड अनलेस शॉर्टेज इन द स्टॉक, और जो भी गलती हो जाती है वो बहुत ही कम चांस होते हैं गलतियाँ करने के। इंक्रीज डाटा सिक्योरिटी रिटेंस, जो डाटा की सिक्योरिटी है पेशेंट की वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर हो जाती है। रिकॉर्ड कीपिंग द हॉस्पिटल इज मैंडेटरी, जो किसी भी हॉस्पिटल के रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है, विद टू चैलेंजेस, कीपिंग द डाटा सेफ, कि डाटा को सेफ रखना, विद ऑथराइज पर्सनल गेटिंग एक्सेस टू एनी रिटर्निंग इन द मिनिमम पॉसिबल, एड टू दिस पेरिनियल प्रॉब्लम टू स्पेस शॉर्टेज, प्रोटेक्टिंग डाटा को स्टोर करके रखना किसी भी अथॉरिटी के ऑथराइज पर्सन के पास, और
रिटरवाइंग 18 मिनिमम पॉसिबल, और वापस कम से कम टाइम में लिया जा सके ताकि उसमें कुछ ऐड करना हो, कुछ प्रॉब्लम हो, शॉर्टेज ऑफ प्रोटेक्शन हो, नेचुरल एलिमेंट प्रोटेक्शन फ्रॉम द पेस्ट्री क्लिक ऑन द डाटा विल अपीयर ऑन द स्क्रीन वी सेकेंड, और कुछ सेकेंड में ही हम कुछ भी कमियाँ है वो देख सकते हैं, कुछ भी ऐड करना है वो भी देख सकते हैं। इम्प्रूव पेशेंट केयर, इससे पेशेंट की केयर है जो वो भी बढ़ जाती है, पेशेंट का डाटा इंप्रूव हो जाता है, वर्क एफिशिएंसी होती है वो भी इंप्रूव हो जाती है। बेटर एंड फास्टर क्लिनिकल डिसीजन, क्लिनिकल डिसीजन भी हम जल्दी से ले सकते हैं। इन दिस ए द एविडेंस बेस्ड मेडिसिन फास्टर, जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है वो फास्टर हो जाती है। क्लिनिकल डायग्नोस्टिक रिपोर्ट एंड क्विकर देन द ऑर्डर एंड इम्प्लीमेंटेशन, जो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट रहती है वो टाइम से पहले ही बन जाती है। इंप्लीमेंटेड द फास्टर इन द पेशेंट रिकवर एंड द बेटर इट इज़ वन पेशेंट कैन इंडेक्स विद ऑटोमेटिक डिपार्टमेंट इन द हॉस्पिटल। नेक्स्ट इंप्रूव डाटा सिक्योरिटी विद द फुल प्रूफ एक्सेस कंट्रोल हॉस्पिटल मैनेजमेंट, पूरे सबूत के साथ कंट्रोल हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हेल्प हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन अचीविंग डाटा सेफली, जो कि डाटा को बचा के रखती है। एज ए पेशेंट ट्रीटमेंट डिटेल आर कंसिडर्ड टू बी कॉन्फिडेंशियल, क्योंकि जो पेशेंट की डिटेल है वो कॉन्फिडेंशियल होती है, वो किसी से भी शेयर करने के लायक नहीं होती है। इट इज़ हैवन मोर इम्पोर्टेंट टू क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड, ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि जो भी पेशेंट की डिटेल है वो रिकॉर्ड की जाए। बेटर रिवेन्यू मैनेजमेंट रिक्वायर अ फॉर्च्यून टू रन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को रन करने के लिए भी रिवेन्यू की मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। नाउ डैट द हेल्थ केयर सेक्टर इज बिकमिंग मोर प्रॉफिट, जो हेल्थ केयर है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट है। फॉर ट्रैकिंग फॉर आउटफ्लो टॉप हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कैन इन्जॉय फास्ट रिवेन्यू, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है इसका, इसका अपॉइंटमेंट बुकिंग के अंदर हेल्प पेशेंट कट ऑफ लॉन्ग रिवेन्यू एंड द सोर्स देयर टाइम सेव्स देयर टाइम, इट इक्विप विद अ फीचर लाइक ऑटोमेटेड एमिट एंड टेक्स्ट मैसेज रिमाइंडर, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल अलाउ इम्प्लीमेंट टू असेस ओनली नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इफेक्टिव, जो भी जरूरी इन्फॉर्मेशन सिर्फ वही ले सके, और इंक्रीज डाटा सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी, और सिक्योरिटी को इंटीग्रिटी को भी बढ़ाता है। ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन कट द डाउन पेपर कॉस्ट, जो कि पेपर की कॉस्ट को बचाता है, और सिटिंग अप फिजिकल सर्विसेज को भी बचाता है। डाटा सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी है जो पेशेंट के से भी बहुत ज़्यादा मजबूत कर देता है। लास्ट में आता है बिब्लियोग्राफी, कहाँ कहाँ से ये ली गई है, ये विकिपीडिया से, मिडलाइन, नेपर, google.com एंड क्वेरा से इसकी इंफॉर्मेशन ली गई है। होप यू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो, लाइक द वीडियो, कमेंट द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। You get little bit information from this video. Please subscribe my channel, जिससे आप कोई भी वीडियो मेरी मिस ना कर पाएँ। Thank you for watching this video. आपका बहुत बहुत धन्यवाद।